लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद बागपत जिले प्रशासन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने बीती देर रात चेकिंग के दौरान निवाड़ा चेक पोस्ट से एक गाड़ी से करीब 1.5 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की। गाड़ी में मौजूद 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है, जिसके बाद पुलिस व जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस व इनकम टैक्स के अधिकारी पकड़े गए, दोनों लोगों से पूछताछ कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि 72 घंटे पहले पूरे देश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग की नियमावली के अनुसार 50,000 रुपए तक व्यक्ति अपने पास ले जा सकता है, लेकिन बीती देर रात जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने यूपी और हरियाणा को जोड़ने वाली निवाड़ा चेक पोस्ट से चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 2 लोगों के साथ करीब 1.5 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। पूछताछ में पकड़े गए एक व्यक्ति ने अपना नाम अनिल कुमार दिल्ली सहदरा का रहने वाला बताया, जबकि दूसरा व्यक्ति अनिल कुमार का ड्राइवर है। पकड़े गए नकदी के बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इनकम टैक्स के अधिकारियों को इस मामले की सूचना दी। पुलिस व इनकम टैक्स के अधिकारियों की पूछताछ से अनिल कुमार ने बताया कि उसने अपनी फैक्ट्री बेची है, जिसका ये भुगतान है। लेकिन अधिकारी अभी भी पूछताछ में लगे हुए हैं कि कहीं ये पैसा चुनाव के दौरान दुरुपयोग में आने वाला तो नहीं। अधिकारी काफी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, जैसा आप जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा 16 मार्च में हुई निर्वाचन की, उसके क्रम में पूरे भारत में और जनपद बागपत में भी आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए। इसके क्रम में जो हमारे जगह जगह चेक नाका हैं, हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स हैं, तो जो हमारा गौरीपुर मोड़ पर जो चेक पोस्ट थी आबकारी की, वहां पे गाड़ियों की चेकिंग में एक वाहन में 1.5 करोड़ रुपए पकड़ा गया। उसका कोई वो एक्सप्लेनेशन नहीं दिखा सके कि इतनी बड़ी कैश राशि वो कहां से लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा बताने का प्रयास किया कि शायद उन्होंने कहीं जमीन बेची है, परंतु इसके कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई सपोर्टिव चीज, कुछ भी वो नहीं दिखाता है। इसके क्रम में जो हमारा इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, जो SOP है, उसके क्रम में हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, उसकी रिकॉर्डिंग करी, उस व्यक्ति का बयान लिया। मिस्टर अनिल कुमार हैं, दिल्ली के निवासी, उनका ये पैसा है। उनको इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपका ये उल्लंघन है। इसके क्रम में उनको रसीद भी दी गई है पैसा गिनने के उपरांत। वो पैसा हम लोगों ने सीज करके रखा है। भारत निर्वाचन आयोग का ही एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम है, ESMS ऑनलाइन है। उस पोर्टल पे भी हम लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को अपलोड किया है। जो भारत निर्वाचन आयोग की जो ट्रांसपेरेंट स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम में, उसमें FST टीम द्वारा उसकी रिकॉर्डिंग की गई, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई, उनको प्राप्ति रसीद दी गई है। उसके क्रम में उन्हें भी अपना अधिकार है कि वो अपील कर सकते हैं सीजर के संबंध में। इसी विषय में रात में ही हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो नोडल हमारे हैं आयकर के, उनको हमने सूचित किया। वो अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने उसका पूरा जो प्रोसीजर इसको फॉलो किया। इस सीजर को, इंटरसेप्शन को हमने सीजर में बदला है। सीजर करने के उपरांत इस सिस्टम को पूरे को ऑनलाइन अपलोड किया गया है हमारी FST टीम द्वारा, और इसका जो आप ऑनलाइन डेटा कहीं से भी देख सकते हैं, माननीय निर्वाचन आयोग को भी के द्वारा डेटा देखा जाता है। इस क्रम में ये सीजर की कार्रवाई पूर्ण की गई है। घटना को अभी 12 घंटे से भी कम हुए हैं। उस कैश ट्रांसफर का कोई अगर लिंकेज चुनाव से होगा तो उसमें आदर्श आचार संहिता के जो FIR के प्रावधान, उसका अनुपालन भी किया जाएगा, और उन्हें ये अधिकार है अपील करने का, जो हमारी एक समिति है उसके सामने वो अपील कर सकते हैं, और उस अपील के क्रम में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अभी हमें कोई डायरेक्ट लिंकेज कोई ऐसा उस वक्त मौके पर नहीं मिला है, परंतु ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हमारे इनकम टैक्स के अधिकारी और अनधिकारी इस विषय में जांच कर रहे हैं। जी, ये 2 दिन पहले ही माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा निर्वाचन की है, और अभी 72 घंटे पूर्ण होने वाले हैं आज आफ्टरनून में 3 बजे के बाद में। तो हमारी पूरी टीम कर्मठ रूप से लगी हुई है। हमारे पूरी टीम के अधिकारी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम सभी प्रत्याशियों को, सभी राजनीतिक दलों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध करा सके, और निर्वाचन पूरा पारदर्शी, स्वच्छ और जो एक्सपेंडिचर के मानक हैं उसके अनुसार ही हो। कौन व्यक्ति होंगे इनके पास? ये मिस्टर कोई अनिल कुमार हैं, जो दिल्ली के निवासी बताए गए हैं। बाकी चीजें इन्वेस्टिगेट की जा रही है।